अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ परत वाले नमक पारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 500 ग्राम मैंने मैदा लिया हुआ, इसको मैंने छान लिया है, छान करके ले लिया है। तो इसमें हम डालेंगे, ये लिया है मैंने काली मिर्च, एक चम्मच लिया है, और एक चम्मच लिया मैंने जीरा। काली मिर्च मैंने दरदरा करके लिया है, ये मैंने एक चम्मच लिया है अजवाइन। इसको हम हाथों पर ऐसे क्रश करके डालेंगे, इससे क्या खुशबू थोड़ी अच्छी आएगी। ये लिया मैंने करौंजी, तो ये भी डालेंगे। ये लिया मैंने चौथाई चम्मच। अगर आप खाते हैं करौंजी तो आप डाल लें, इससे क्या है टेस्ट भी अच्छा आता है। हम डालेंगे इसके अंदर नमक, नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। और ये लिया मैंने घी, देसी घी लिया, ये डालेंगे हम दो चम्मच भर के, और एक चम्मच हॉट ले लेंगे। बस ये ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये हमारा जो है नमक पारे खस्ता नहीं बनेगा। तो चलिए हम सभी को मिला लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है बिल्कुल। अब इसको हम जो गूदेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको मिलाएंगे। इसका जो आटा गूदना है, बिल्कुल टाइट आटा गूदना है। ये ले लिया मैंने पानी और भर के, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम इसको टाइट सा डो बना लेंगे एकदम। देखिए मैं इसको अच्छे से गूद लिया मैंने। इसको हम रख देंगे 30 मिनट के लिए, ढककर रख देंगे हम इसको। तो चलिए हो गया आधा घंटा, देख लेते हैं इसको। देखिए इसको हम दोबारा से, इस तरह से हम दोबारा गूद लेंगे। चलिए अब हम इसको बेल लेंगे। पहले हम बना लेंगे इस आटा, ये मैदे को हम घोल कर घोल बनाएंगे इसका। तो हम डाल देंगे इसके अंदर दो चम्मच मैदा। ये देखिए इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा और डालेंगे। अब सही है बिल्कुल। चलिए इसको रखते हैं साइड में। ये जो आटा है इसमें से हम थोड़ा सा ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने इतना बड़ा लोई ले लिया, दो रोटी का एक रोटी है ये। चलिए हम इसको मिलाएंगे नहीं, बस इसी तरीके से हम इसको चकोर शेप में बेलेंगे, गोल नहीं बेलना है इसको, इस तरीके से। और अगर गोल हो जाता है तो आप इसको हाथों से इस तरह से कर ले। तो चलिए हम पहले हम चकोर चकोर बेल लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने चकोर बेल लिया बिल्कुल इसको, जैसे हम पराठा बनाते हैं घर के अंदर, इसी तरह से इसको बेल लेना है चकोर में। देखिए कितना पतला बेला मैंने इसको। इसमें हम लगा देंगे मैदे का घोल, हम हाथों से इस तरीके से ये हर तरफ लगाएंगे हम ऐसे, कहीं भी जगह खाली नहीं छोड़ना है। देखिए हमने अच्छे से इसमें लगा दिया है मैदे का घोल। अब हम इसको इस तरीके से हाफ हाफ मोड़ लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ये जो मैदे का घोल है ये हम और लगाएंगे, इस तरह से लगा दिया हमने इसके ऊपर। इस तरह से इधर से भी मोड़ देंगे, इस तरह से हमने इसको मोड़ दिया है। इसको हम दबाते हुए ऐसे पलट देंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने चौरस में इसको बेल लिया है। अब इसको हम खा करके इस तरह से वो पकड़ के ऐसे हम इसको पलट लेंगे, और इधर से भी इस तरीके से इसको। अब हम इसको तीन फोल्ड में मोड़ेंगे। पहले हम इसके ऊपर एक दफा और ये लगा देंगे मैदे का घोल। चलिए हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे, इसको हम तीन फोल्ड में मोड़ेंगे। इसको आप चाहे इसके ऊपर दबा दिए इस तरीके से। अब हम इसको बेल लेंगे। अब हम थोड़ा इधर से भी बेलेंगे इसको, थोड़े चौड़ा भी इसको करेंगे। ये देखिए अब हम इसको काट लेंगे इस तरीके से। पहले साइड का पीस हम थोड़ा सा काट के हटा देंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से इतना, बस इतने बड़े साइज में हम इसको काट लेंगे।
तो ये देखिए सारा हमने काट लिया है, ये दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें सारे परत जो है अलग अलग हैं बिल्कुल, तो सभी को हम उठा लेंगे इस पर से। बस इसी तरीके से हम सारे बेल लेंगे और ऐसे ही काट लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा बना लिया है। ये देखिए ये मैंने रिफाइंड तेल लिया है, गैस मैंने ऑन कर लिया है। तेल ये हमारा गर्म हो रहा है, तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है जिससे ज़्यादा हीट हो जाता है गर्म, इतना गर्म नहीं, बस हल्का सा हम इसमें डालकर थोड़ा सा देख लेंगे। ये देखिए अभी नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा और होगा। तो ये देखिए ऊपर आ गया है, ये तैरने लग गया है। ये अभी तेल हमारा ये गर्म हो गया है, उसको हम निकाल लेंगे। तो इसमें डाल देंगे एक एक करके, बस देखिए इतना हमने डाल दिया इसके अंदर। तो ये देखिए ये अपने अपने सारे ऊपर आ जाएंगे, देखिए कितना अच्छा इसका। पूरा लेयर अच्छे से बन के देखिए कितना अच्छा बन गया ये। इसको हल्का ब्राउन करके फिर इसको निकालेंगे। तो देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया ये, हम इसको निकाल लेंगे। निकाल लेंगे इसको, तो इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। देखिए कितना सारा बन के तैयार हो गया ये। इसको आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, हफ्ता दो हफ्ता बना करके इसको रख दीजिए और चाय के साथ खाइए, और जो भी आपके घर में आते हैं मेहमान उनको खिलाइए आप, बहुत ही तारीफ करेंगे आपका अगर इस तरह से बनाएंगे तो। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, खस्ता और करारा बनता है बिल्कुल। ये देखिए देखिए एकदम खस्ता बनता है, ये देखिए बहुत ही हल्का और खस्ता बनता है ये, इसको कोई भी खा सकता है। तो ये देखिए इसी तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप सभी को खिलाइए इस तरह से बना करके, मेहमानों को खिलाइए, स्टोर करके इसको बना के रख सकते हैं, और जब भी भूख लगे चाय बनाइए उसके साथ खाइए। तो इसी तरह से बनाएं। मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।